तो गाइस बहुत खतरनाक सांप आ गया खेत में, दिखाते हैं खेत में यार। जिस दिन हम मेहनत करते हैं ना उस दिन यार खाने का पीने का मजा ही कुछ और होता है। गाइस काम धाम ये कुछ नहीं करती है, उसको खाना खाना चाहिए। तो जितना काम करता मोटी बोल रहा है यार, अभी मैं कहाँ बनाता हूँ, मेरे को नशा वसा हो रखा है तगड़ा वाला। खेचर की बिल्कुल खेचर की उसने अलाबिटी ब्रांड। तो हेलो अच्छे लोग, तो अच्छे लोग अभी हम जा रहे हैं यार पानी लगाने के लिए, जा रहे हैं तो खेत में। अब हमें रात हो जाएगी तो रात का ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला आज का ब्लॉग, बिल्कुल तबाही होने वाला है, बवाल होने धवाल मचने वाला है, बिल्कुल लोंडे बदनाम होने वाला है, देखते रहना ब्लॉग में लगातार। और चलते हैं यार, करण भाई आ गए और ब्लॉग में इंटरेस्टिंग आपको पार्ट दिखेंगे। तो यार थोड़ा काम कर रहे थे तो थोड़ा थकान अकान लग गई थी, तो भाई लोगों के साथ मैंने कहा क्यों ना यार थोड़ा डीयू पार्टी हो जाए। जैसे कि हमारे चचा हैं, चचा ने हमारा थोड़ा मार्गदर्शन किया कि बेटा भूखे पेट काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा खा पी लेना चाहिए। तो यार हम भी थोड़ा काम चोर, हमें पता ही, हमें तो मौका चाहिए खाने पीने का, अच्छी चीज़ों का, गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। कपिल भाई आ जाइए यार, रियल फार्मर। तो गाइस बहुत खतरनाक सांप आ गया खेत में, दिखाते हैं भाई। नाग सांप है, नाग बहुत खतरनाक असली कतई। देखो यार पानी नहीं लगा रहे हम खेतों में, जो नाग नाग है तो देखिए वहाँ पर वो आग लगा दी गई है कारो कलपट्टे, और वहीं पर वो छुपा हुआ है चूहे के बिल में गया है, और उसके जस्ट किनारे अपना खेत है यार, ये खेत है फिर दूसरा वो अपना खेत है। तो मेरी तो बहुत फट रही है यार, और शाम हो गई है यार, पानी कैसे लगाया जाएगा यार, धक हो रही है बहुत ज्यादा भाई, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है यार। और रियल नाग सांप है किंग कोबरा। तो करण भाई यार कैसे होगा यार, चले घर को, चलो घर भाई, फट रही है यार। अभी भी तो हमने डीओ पी दिया, डर के आगे जीत है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। डर आर कहाँ है, तो भाग फट गई हमारी। ये महिलाएं नाग देवता के दर्शन करने के लिए आए हैं, और सनसेट का बहुत मनोरम सुहावना मौसम हो गया है, और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। तो यार अब थोड़ा हम भी सोच में पड़ गए हैं कि पानी कैसे लगेगी। तो गाइस यार खेत में आप पानी लगा रहे हो या आप खेत में आए हो, रात्रि वेला हो गई है, तो यार कृपया थोड़ा सतर्क रहें और सावधान रहें, थोड़ा यार आंखों को ना बिल्कुल जगाएं अपनी आंखों को, ट्यूबलाइट भी जलती है, और उससे भी तीव्र गतिविधियों से अपनी आंखों की रोशनी को बिल्कुल सतर्क रखें कि यार कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं। देखा ही होगा जैसे कि आपने किंग कोबरा, काफ़ी मोटा था, कैमरे में आपको उतनी अच्छे से प्रदर्शित नहीं हो पाया होगा, काफ़ी मोटा सांप था यार, मेरा तो यार धक होने लगी, डर लगने लग गया यार। देखते हैं यार आज रात में हम मुकाबला कर पाते हैं किंग कोबरा वर्सेस संतोष राणा ब्लॉग। और गाइस यार ब्लॉग तो अपलोड हो के रहेगा, ब्लॉग अपलोड हो के रहेगा, क्योंकि ब्लॉग चैनल मैंने और किसी को भी दे दिया है, मेरे दो भाई हैं यहाँ पर, ये ब्लॉग अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं यार, अगर जिंदगी रही तो यार फिर तीसरा ब्लॉग भी आएगा, फिर दूसरा ब्लॉग भी आएगा। हाँ तो क्या कह रहे हो, तो हम आज खेलने वाले हैं मैन वर्सेस वाइल्ड। आ रहे हैं पार, लालकोठी की नदिया पार है, पानी तो लग के रहेगा, भयंकर रौला, पहले भी चलता था रौला, अभी चलेगा। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में लगातार, अंग्रेजी में कंटिन्यू, तो ब्लॉग बिल्कुल बवाल होने वाला, धमाल होने वाला और कमाल होने वाला है। तो गाइस अभी टाइम यार बहुत ज्यादा हो गया है, अभी यार टाइम हो गया 10:30 का टाइम हो गया है, और अभी हम पानी लगाना स्टार्ट करेंगे, तो यार हमें सुबह हो सकती है, और सुबह हो तो सकती है, बट यार अभी थोड़ा यार रिस्क भी लग रहा है। जस्ट हमारे खेत के किनारे यार आपको बताइए हमारे देवता चले गए हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और अब हम घर जा रहे हैं यार, देखिए हमारी हालत कैसी हो गई है, दिखाने लायक हालत नहीं रही हमारी, ये देखिए चेक कीजिए भाई की हालत, ये देखिए पूरे पैर देखिए बहुत खूबसूरत पैर हो गए हैं, और ये भाई की हालत ही देखिए दांत चमक रहे हैं, पैर दिखा देना यार देखिए खूबसूरती। और यार अब जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होता है तो हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे, थोड़ा ब्यूटी पार्लर में थोड़ा फेशियल कराएंगे 5,000 वाला, ज़्यादा महंगा तो नहीं कराएंगे यार, इतनी औकात है हमारी। तो यार चलते हैं फिर यार, और वो पानी हम तो लगा पानी तो डाल देते खेत में, बट यार वो थोड़ा वो मना कर रहा था कि इतनी रात में मैं खेत कहाँ बनाऊँ, और वैसे भी टाइम हो गया 11 बज गया है, तो यार हमारा 2-3 बजे आना था पानी लगाते लगाते।
एक खेत में हमने पानी पूरा डाल दिया है, तो उस खेत को भी ड्राइवर बोल रहा है यार अभी मैं कहाँ बनाता हूँ, मेरे को नशा सा हो रखा है तगड़ा वाला, खेच रखी बिल्कुल खेच रखी उसने, अलाइबिलिटी ब्रांड है। समझ रहे हो आप रन भाई, कुछ बताओ यार आप ही यार। तो गाइस हमें मिला था इतना ना, दो 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 चार इंच और ज्यादा होगा। हाँ इतना होगा, इतना था। हाँ अभी हम चल रहे हैं यार, अभी हम तीन लोग आएंगे एक बाइक में, और ये अपनी बाइक है और ये वाली बाइक है, क्या कहते हैं इसमें चाचा जी आएंगे। चाचा जी फिलहाल अभी खेत में है, क्योंकि यार अभी हमारे साथ धोखाबाजी ना हो जाए यार, धोखा हुआ ना दे दे कोई। खेत में पानी डाल दिया है, और पानी सूख जाएगा अगर क्यारी नहीं बन बनाई गई, तो फिर इसके बावजूद यार हमारी मेहनत भी बिगाड़ जाएगी, और ईंधन काफी महंगा हो चुका है आपको बताइए यार। चक्रपुर पेट्रोल पंप में ईंधन की बहुत ज्यादा खपत हो रही है, तो इससे ज्यादा बहुत कमी हो रही है। खटीमा भी नहीं मिल रहा यार, हमें जाना पड़ा सितारगंज और यूपी मझोला से जाना पड़ रहा है हमें ईंधन लेने के लिए। तो चल झूठा, आज मेरे घर में मछली बनी हुई है, मछली खाएंगे बढ़िया तरीके से यार, सो जाएंगे फिर सुबह यार जल्दी, अर्ली मॉर्निंग हमें आना है यहाँ पर पानी लगाने के लिए। अर्ली मॉर्निंग हम आएंगे ऐसे 3 बजे के टाइम आएंगे अप्रोक्स ऐसे, फिर उसके बाद ट्यूबवेल स्टार्ट करना तो आता नहीं है, पहली बार तुम्हारा भाई ट्यूबवेल स्टार्ट करेगा, और कहाँ गए हमारे करण भाई भी पहली बार ट्यूबवेल स्टार्ट करेंगे। इन्होंने यूट्यूब देखे पूरी यार, इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, देखते हैं यार यूट्यूब बाबा हमें सफलता की ओर ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। गाइस देखिए रात काफी ज्यादा हो गई है, 11:30 का टाइम हो गया है, और बिल्कुल सभी सो गए हैं, सुनसान माहौल बना हुआ है, और ये टाइम हमारे जैसे बाजीगरों का जागने का होता है। और देखिए आप यहाँ पर दुकान खुली हुई है, जैसे कि यार काम करते करते हमें काफी थकान हुई थी, और घर से भी हमारा यार कोई बैकअप नहीं आया था, किसी ने पूछा भी नहीं यार कि भूख लगी है कि नहीं लगी है, बिल्कुल पैदल इंसान है यार, घर वालों को भी कोई केयरिंग नहीं हमारी। तो अब तुम्हारा भाई देखते यार क्या खिलाना चाहते हो भाई, क्या क्या खाओगे? अरे कभी भुट्टे काला आ रहा है यहाँ से, दांत दांत चौक रहे, तो क्या क्या खिलाओगे यार? जो चल ले फिर यार, जो तो अभी तुम्हारा भाई मोमो खाएगा, और हालत देख सकते हो आप, बहुत खा दूंगा। और रात के 11:30 बजे देखिए किसान लोग अभी भी मेहनत पर लगे हुए हैं यार, किसानों को ना रात से कोई मतलब नहीं, उन्हें इनसे मतलब है कि यार अपना काम कंप्लीट हो जाए। विकास भाई राम राम। विकास भाई आ रहे हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, वो भी जारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं यार। देसी बालक गांव आके हल्के बना ले यार, भयंकर स्टार्ट करो यार, मेरे लिए है क्या खाजा हूँ क्या करना शुरू करो। पहले तो पेप्सी पियेंगे यार भाई, राम राम चेस ट्रिंग यो राम राम। रात 11 बजे थोड़ा गंदा हूँ ये मत समझना, ही गंदा है ये तो मेरा फैशन है ठीक है, लेटेस्ट फैशन आया ये, एक साल में एक ही बार आता है फैशन, और ये इसी टाइम आता है ये फैशन, ट्रेंड। और देखो अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप इसको पढ़ने में सक्सेस है। यूके फ्रॉम सब खाली कर दिया है बिल्कुल। तो बनी रही ब्लॉग में लगातार, तो चलते हैं यार भाई, क्या बोलती पब्लिक। बहुत बहुत थैंक यू यार, इतनी रात में हमें दुकान खुली हुई मिली, अंकल का भी बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं यार। चलो फिर बिजू, दिस इज माय छमिया। यहाँ खेत पार करके लेके आए गाइस, संतोष भाई कैसा लग रहा है? हट गई यार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट मॉर्निंग। और यार ये जो व्लॉग बन रहा है ना, ये मात्र 8% बैटरी में बन रहा है, और हम आ गए हैं फिर से खेत में। रात में हमने अपना थोड़ा बहुत जो पानी लगाने का हमारा प्लान था वो हमने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि यार पानी लगा के हम यहाँ से चले जाते, और यहाँ से जाने के बाद खेत सूखा रहता। ट्रैक्टर वाले अंकल ने हमें मना कर दिया था कि यार अभी पानी मैं मतलब खेत नहीं बना सकता हूँ इतनी रात में। तो यार फिर अभी हम आए दिन में यार, और यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि यार डीजल काफी ज्यादा लग रहा है, और समय भी काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जो जल स्तर है ना, जल स्तर काफी नीचे चला गया है, और जो ट्यूबवेल जिस तरह से पहले पानी देता था अब उस तरह से ट्यूबवेल पानी दे रहा है। यहाँ पर हमारे करण भाई अब दिखाएंगे आपको थोड़ा बहुत, इन्होंने यूट्यूब से देखा है ट्यूबवेल स्टार्ट कैसे करें। फाइनली यहाँ पर यार ट्यूबवेल स्टार्ट कर दिया गया है करण भाई द्वारा, ने कभी ट्यूबवेल स्टार्ट नहीं किया था, यूट्यूब देख के भाई ने रात में ट्यूबवेल स्टार्ट करने की टेक्निक देखी होगी, तो भाई ने स्टार्ट कर दिया है। और यार 8% बैटरी है, देखता है ब्लॉक कहाँ तक पहुँच पा रहा है आज का। और जैसा कि पाइप के माध्यम से देखिए
पानी आ रहा है और अभी पानी की मात्रा थोड़ी बहुत ठीक होगी क्योंकि अभी जितने भी ट्यूबवेल वगैरह हैं उतने चल नहीं रहे हैं हमारे खेत के आसपास। एकमात्र एक ट्यूबवेल वहाँ चल रहा है और एक वहाँ चल रहा था, बट वहाँ वाला अभी थोड़ा ऑफ हो गया है, वहाँ वाला भी स्टार्ट है। तो दोस्तों टाइम हो गया है 7:30 और अभी मेरा एक खल्ला भर गया है पानी से। ईंधन मेरा अप्रोक्स एक खल्ला भरने में 3.5 लीटर खत्म हो गया है और अभी करण और मैं जा रहे हैं, हम पेट्रोल पंप जा रहे हैं थोड़ा ईंधन ईंधन लेने के लिए। मोबाइल भी थोड़ा लो हो गया है तो उसको चार्ज में लगाया जाएगा। दोस्तों हम पेट्रोल पंप से आ गए हैं घर से, हम बारिश से बचने के लिए छाता आता लेके आए हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पर चाय आ गई है और चाचा जी घर गए थे तो हमारे लिए चाय ले आए हैं। जिस दिन हम मेहनत करते हैं ना उस दिन यार खाने का पीने का मजा ही कुछ और होता है। शायद आज हमारा खाना खेत में हो सकता है, मम्मी बोल रही थी कि आज खाना खेत में आएगा आपका। राजा जी आप कुछ बताइए, तुम्हें खाना खाते हुए कितना अच्छा लगता है, कैसी खाना? तो यार बड़ा अच्छा लगता है यार, किसान आदमी है, किसान आदमी खेत में ही खाना पसंद करता है, एक यादें जुड़ी रहती हैं। A few moments later. तो भाई लोगों खाना खाने आ जाइए यार, हम तो खाना खा रहे हैं। This is मसाला राइस। This is my favorite खाना, पीला भात। I am टूटी फूटी इंग्लिश जानिंग, कम टू माई खेत और खाइए और मजे लीजिए। उतना ही ले थाली में, बेकार ना जाए नाली में। प्लीज डोंट वेस्ट फूड, क्योंकि इस खाने के पीछे किसानों की दिन रात की खून पसीने की मेहनत लगी हुई है, जो खुद तो भूखा सो रहा है पर अपने देश को भूखा नहीं सोने दे रहा है। और हमारे चाचा जी का कहना यही है कि मौसम काफी ठंडा है, ठंडा कूल कूल है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर रुपाई लगाना स्टार्ट हो गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर सभी हमारा यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, हमारे चाचा जी और मेरे दोनों भाई और मेरी भांजी और माता जी यहाँ पर आ गई है। खाना ना खाने के बाद हम फिर से स्टार्ट हो गए हैं और खाना पीना निकाला जाएगा। अब खाना तो खा लिया है तो यार थोड़ा बहुत योगदान हम भी अपना यहाँ पर देते हैं, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे आला खल्ला हमारा लग गया पूरा और अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थकाई लग गई यार, कमर भूल गई हमारी, इतना लगातार काम नहीं करते हैं। अब इस लड़की को भूख लग गई है, बनी रही ब्लॉग में लगातार खा ले चटोरी बिना काम की। तो भाई काम धाम ये कुछ नहीं करती है, उसको खाना खाना चाहिए, मोटी। Thank you.